महर्षि कर्वे शिक्षण संस्था द्वारा संचालित सीताबाई नागौंदकर नर्सिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष का सत्र आज से आरंभ होने जा रहा है, जिसके मद्देनजर दीप प्रज्वलन और प्रतिज्ञा कार्यक्रम से नए सत्र की शुरुआत की गई। इस समय प्रतिक्रिया देते हुए नर्सिंग कुल की प्राचार्य डॉक्टर रूपा वर्मा ने इस आयोजन के विषय में जानकारी दी। मैं डॉक्टर रूपा वर्मा, सीताबेन अरगुंदकर नर्सिंग महाविद्यालय की प्राचार्य। आज यहाँ पर हमारा दीप प्रज्वलन व शपथ ग्रहण, या आप कहिए लैंप लाइटिंग और ओथ टेकिंग का प्रोग्राम है, जिसमें कि हमारी जो फर्स्ट ईयर की छात्राएं हैं वो अपने गुरुओं से ज्ञान रूपी प्रकाश अपने हाथ में लेकर के ये प्रतिज्ञा करेंगी कि नर्सिंग प्रोफेशन को अपना करियर चुनते हुए वो नर्सिंग की गरिमा को बनाए रखेंगी और जो नर्सिंग के नैतिक सिद्धांत हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनका पालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगी और इस सेवा परमो धर्म, इस मूल मंत्र के साथ अपने करियर में आगे बढ़ेंगी। तो जो हमारी फर्स्ट ईयर की छात्राएं हैं, ये इट्स अ सिंबॉलिक, एक रिचुअल है, एक संस्कार है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि ये बताता है कि ये नर्सिंग प्रोफेशन में प्रवेश कर चुकी हैं। हमारे कॉलेज में नर्सिंग के 3 कोर्सेस हैं, बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कि 4 वर्ष का यूजी डिग्री प्रोग्राम है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कि 2 साल का डिग्री प्रोग्राम है, इसके अलावा मास्टर्स इन नर्सिंग या फिर पीजी इन नर्सिंग जो कि 6 डिफरेंट स्पेशलिटी में हमारे पास है, वो 2 वर्ष का मास्टर्स प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना और सरस्वती स्तवन से हुई, जिसके बाद प्रमुख अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर मंचीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के दौरान शैलेश जोगलेकर, साथ ही साथ लोकल मैनेजमेंट समिति के सदस्य श्रीकांत गाड़के, श्रीकांत चितले, संजीवनी अस्पताल के संचालक डॉक्टर उगेमुखी और प्राचार्य डॉक्टर रूपा वर्मा आदि उपस्थित थे। गौरतलब है कि सीताबाई नागौंदकर नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत 2007 से मात्र 2 छात्राओं के साथ की गई थी, लेकिन 2023 तक इनटेक बढ़ते हुए 80 तक पहुंच चुका है। ऐसी खुशी उपस्थित अतिथियों ने जाहिर की। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभाशाली छात्राओं को पुरस्कार दिया गया, साथ ही साथ मोमबत्तियां जलाकर नर्सिंग के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की शपथ भी प्रथम वर्ष की छात्राओं को दी गई। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दर्शकों, जिस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस मन में विश्वास और जज्बा होना चाहिए। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है जिस नर्सिंग कॉलेज में, जहाँ की इन 4 छात्राओं को आज पुरस्कृत किया गया है उनके एक जज्बे भरे काम के लिए। आइए जानते हैं, ये सस्पेंस अब यहीं पर सस्पेंस रखते कि आखिर वो कौन सा काम था। आइए जानते हैं उनके ही मुकार से। तो आज आपको पुरस्कृत किया गया है, ऐसा कौन सा काम आपने किया है? एक्चुअली हम लोग जो है वो सिटी बस से प्रवास करते हैं, मतलब कॉलेज की बस यूज़ नहीं करते, तो हम रोज के जैसे कॉलेज आ रहे थे तो उसी बस में एक पैसेंजर चढ़ा और अचानक से वो ड्रॉप आउट हो गया, मतलब अनकॉन्शियस हो गया। वहाँ की जो लेडी कंडक्टर थी उन्होंने उनको बहुत बार आवाज़ दिया, अंकल क्या हो गया, उठो, क्या हो गया, उठो, लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। हमको लगा कि सही में कुछ प्रॉब्लम हुई है, हम सबसे पीछे बैठे थे, हमको कुछ आइडिया नहीं था कि आगे क्या चल रहा है। हम लोग देखा तो अंकल एकदम अनकॉन्शियस हो गए थे। तो हमने हॉस्पिटल्स में बहुत सारी कंडीशंस ऐसी देखी है, तो हम डिटेक्ट कर सकते कि एक्चुअल पेशेंट को हुआ क्या है। तो हमको लगा कि हार्ट अटैक अंकल को आया ही है। तो हमने देखा कि वहाँ पे जगह कुछ थी नहीं, सोर्स हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हमने उनको नीचे लेटा दिया बस में और CPR देना स्टार्ट कर दिया। और CPR देने के बाद में हमारे साथ मौजूद है सिमरन, जिनसे हम जानेंगे कि क्या सिचुएशन थी आखिर और क्या परिस्थिति थी। अपने मदद की है, सहायता की है, कैसा लग रहा है और क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन तो बहुत वर्स थी। वहाँ पर जितने भी लोग प्रवास कर रहे थे उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे और वर्किंग पीपल्स थे, पर किसी ने हमारी मदद नहीं करी। हम चारों ने वो अंकल को सीट में, जो बस का बीच का पैसेज रहता है, वहाँ पर लिटा के CPR देना स्टार्ट किया है। और बड़ी सूझबूझ के साथ काम करते हुए मेरी एक सहेली ने उनका नंबर लगाया, उनके घर वालों को बताया कि कैसे अंकल को, मतलब अंकल की तबीयत खराब हो गई और कहाँ हम उनको लेके जा रहे हैं। और किसने नंबर, आपने नंबर लगाया था किसी? हाँ, इसने नंबर लगाया। हाँ, मैंने मतलब सोचा कि हम जब उनको हॉस्पिटल पहुँचा ही रहे हैं तो हॉस्पिटल में रिलेटिव्स भी चाहिए रहते हैं, तो मैंने तुरंत उनका मोबाइल लिया, उनकी ID चेक की और वहाँ से उनके घर पे कॉल किया, तो उनके घर के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दिया, वो तुरंत वहाँ पे पहुँच गए। कितने समय बाद रिकवर हुए और क्या रिजल्ट आया उसका? वो 10-15 मिनट्स में रिकवर हो गए थे, लेकिन फिर उनकी पल्सेस ड्रॉप हो गई थी और फिर हमने उनको शालिनी ताई मैगे हॉस्पिटल तक पहुँचा दिए जल्दी से जल्दी। दर्शकों, परिचारिका ऐसा क्षेत्र है जो कि यम के द्वार खड़े व्यक्ति को भी वापिस ला सकता है और सजीवमान जीवन दे सकता है। यह इस
उदाहरण से स्पष्ट होता है। दर्शकों, इस वक्त मौजूद है सीताबाई नरगुनकर नर्सिंग कॉलेज में, जहाँ की इन होनहार छात्राओं ने एक मरते हुए व्यक्ति की, बोल सकते हैं, जान बचाई है, यम के द्वार खड़े व्यक्ति की जान बचाई है और आज उन्हें यहाँ पुरस्कृत किया गया है। कहीं ना कहीं देश के विकास में ये इतनी भागीदारी आवश्यक है जैसे कि अथांग महासागर को भरने के लिए हर एक बूंद की होती है। इनको पुरस्कार मिला है और आनंद है कि देश की पीढ़ी इस प्रकार से नवनिर्मित हो रही है और इस प्रकार से विकसित हो रही है। सीताबाई नागुनकर नर्सिंग कॉलेज की 4 छात्राओं ने बड़ा ही हिम्मत वाला कार्य किया है, जिसमें एक मरते हुए व्यक्ति की जान बच गई, जिससे वह व्यक्ति आज भी इन 4 छात्राओं का शुक्रगुजार है। इस साहस भरे कार्य के लिए इन 4 छात्राओं को पुरस्कार देकर गौरवान्वित किया गया। इस समय उनकी आंखों में खुशी साफ जाहिर हो रही थी। इन 4 होनहार छात्राओं की सूझबूझ की बदौलत आज नेताजी खंडारे नामक व्यक्ति जिंदा है, क्योंकि शायद उस समय इन बच्चियों ने पीसीआर नहीं दिया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। उनका लाख लाख धन्यवाद, ऐसी भावनिक प्रतिक्रिया देते हुए नेताजी खंडारे ने इन 4 छात्राओं का शुक्रिया अदा किया। जिन 4 बच्चियों की बदौलत आज आप जीवित है, कैसा लग रहा है आपको और किस प्रकार से आभार माना चाहेंगे? मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनने जो मेरी मदद की बस में, तो मैं कभी तो भूल नहीं सकता। लेकिन जो उनने अपना उनका जो अनुभव था पढ़ाई का, वो हिसाब से उनने जो मेरे जो मदद जो किया बस के अंदर, वो तो मैं उनका जिंदगी भर जो भी उनने किया उसको भूल नहीं सकता। लेकिन जैसे भी किसी पर भी मुसीबत आए तो वैसे इंसान कम मिलते हैं, लेकिन मेरे को जो उनने आज नया जीवन दिया उसके लिए मैं उनके बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। 4 लड़कियाँ, उनको उनका नाम मेरे ध्यान में नहीं, तो हमेशा मैं वो बस में रहता हूँ, वो भी बच्चियाँ रहती है साथ में, तो मुझे तो मालूम नहीं था। तो मैं जब ये हुआ बेसुध, मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैं बस में बैठा तब मेरे को मालूम था, जब चलते बस में मैं बेसुध हुआ तब मेरे को कुछ भी पता नहीं था। उनने जो मेरे को जो सहकार्य किया वो मेरे लिए बहुत बड़ी नए जीवन के लिए, उनने जो मेरे को जीवन दिया है उनके इसके हिसाब से मिला मेरे को, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से। डॉक्टर अनिल इंगड़े खंडारे साहब के दोस्त हूँ, हमारे साथ डॉक्टर खंगार साहब भी थे। जब हम पहले दिन लता मंगेशकर हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ पे हमारे क्रिटिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर देशपांडे सर से मुलाकात हुई। तो जिस तरह से डॉक्टर देशपांडे सर ने एक्सप्लेन किया था कि इनको जिस परिस्थिति में जिस तरीके से लाया गया, तो हमारे हिसाब से और सर के बोलने के बाद हम सही दिल से उस नर्सिंग के 4 छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्हीं के हाथ से इसी तरह की सेवाएं होती रही। उसके बाद में जब प्लैटिना हॉस्पिटल में हम डॉक्टर मुंद्रा सर से मेरी बातचीत हुई, तो मुंद्रा सर ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जिस तरीके से बस के चालक ने और इन छात्राओं ने जिस परिस्थिति में जिस तरीके से उनको लाया गया, उसी वजह से इनकी जान बच पाई और ये बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। तो हम चाहते हैं कि आगे आने वाले पीढ़ी में जैसे BSc नर्सिंग छात्राओं के बीच इसी तरह का सभी इसमें मतलब उनके अंदर में जो आज ओथ उन्होंने लिया है, सही मायने में उस ओथ का पालन करते हुए उसका नतीजा, उसका एग्जाम्पल आपके सामने श्री नेताजी खंडारे साहब के स्वरूप में है। तो मैं उन 4 लड़कियों को सभी को बधाई देता हूँ और इसी तरह का कार्य आगे भी हो मैं सराहना करता हूँ, प्रशंसा भी करता हूँ। धन्यवाद। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने बात की नेताजी खंडारे से, जो कि आज जीवित है इन 4 बच्चियों के पराक्रम के बदौलत। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।